कौन सी रस्म है? कौन सी रस्म चल रही है? संकल्प की। फाइनली पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 2:00 है और इतना लेट क्यों हुआ उसका स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कल विदाई हुई उसके बाद 2 घंटे हम आ चुके थे और सेम रास्ते पर पहुंचे थे जहाँ सुबह लैंडस्लाइड मिला हमें और वहाँ पहुँचते ही हमें न्यूज़ मिली कि लैंडस्लाइड हो रखा है क्योंकि एकदम से जाम लगा। हमने बोला ये क्या हुआ, फिर किसी ने बोला लैंडस्लाइड हो रखा है सेम जगह पर, फिर उन्होंने बोला कि रास्ता तो अब सुबह तक खुलेगा तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, किसी ने बोला कि स्टे करना पड़ेगा वहीं, किसी ने बोला दूसरा रास्ता है, किसी ने बोला वो रास्ता भी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम इतना ज़्यादा घबराहट हो गई थी ना कि यार क्या कर रहे हैं अब, कहाँ जाएंगे, कैसे हो, घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले अलग परेशान कि आ रहे हो कैसे आ रहे हो ये वो बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते पर निकले और वहाँ से वो रास्ता थोड़ा पतला था, लाइक बाद में जब हम घर आए तो लोगों ने बोला कि बस वाला रास्ता तो है नहीं वो, बट ड्राइवर ने इतने स्मूथली चलाया, इतने सेफली सबको लेके आ गए। और जब हम विकास नगर पहुँचे तो वहाँ एक चीज़ और हो गई कि हमारा टायर पंचर, और एक साइड के दोनों टायर पंचर हो चुके थे, फिर ड्राइवर ने वो चेंज किए, देन एक सिंगल टायर लगाया वहाँ क्योंकि एक ही सिंगल होता है बैकअप के लिए तो गाड़ियों में। तो उसके बाद लाइक वो ड्राइवर अंकल इतने सही थे ना यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने क्योंकि सुबह भी गए वो थकते हुए तो गए होंगे ना, सुबह उन्होंने चलाए वापस आने के लिए भी वो बस चला रहे थे, फिर वहाँ से यू टर्न जब उन्होंने हमने लिया तो यू टर्न नहीं मिला, वो बैक करते हुए 2 किलोमीटर तक बैक करते हुए लेके आए वो। और उसके बाद टायर चेंज भी उन्होंने खुद किया, एक अंकल और थे उन्होंने हेल्प की उनकी थोड़ी सी, टायर चेंज उन्होंने खुद से किया और फिर सेफली सबको घर पहुँचा दिया था। मज़े भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतना दूर का सफ़र है और शादी है, शादी एक चीज़ है जहाँ पर घर में अगर सारी चीज़ें निकल गई कहीं ना कहीं तो कुछ होना ही है, फिर जब वो टायर पंचर होना उस टाइम पर समझ गया किसकी क्या नज़र लग रखी है कि कभी रास्ता ख़राब हो जा रहा है, कभी टायर पंचर हो जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, बट सब सेफली आ गए थे। और भैया जो दूल्हे हैं भैया बोल रहे कि भैया बोल रहे थे कि मज़ा तो काफ़ी आया होगा ना कि शादी में ऐसे इतनी सारी चीज़ें हुई, यादगार तो रहेगी। मैंने कहा यादगार तो है ही, मतलब मज़ा भी आया, फ़न भी काफ़ी था, बट वो थ्रिल वाला पार्ट भी बहुत था कि ऐसे जंगल वाला रास्ता था बस जिसपे जो सेकेंड रास्ता हमने लिया, सेकेंड रूट हमने लिया वो जंगल वाला रास्ता था, बहुत भयंकर सा और डरावना सा ही लग रहा था बहुत ज़्यादा, बाहर भी नहीं देखा जा रहा था कि अगर मैं बाहर देखने के बाद जरा भूत कर रहा था हु कहाँ जा रही हो मैडम, तो मज़ा काफ़ी आया। और मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही नहीं था मेरे पास, फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी 1-2% थी, तो मैंने भैया के पास दिया कि आप अपनी गाड़ी में चार्ज लगा लो, आप कार में से चार्ज करो और अगर हम रास्ते में मिलेंगे तो मैं आपसे रास्ते से ले लूँगी, बट इतनी सारी चीज़ें हुई और फिर भैया भी हमसे आगे चल रहे थे तो भैया भी नहीं मिले, फ़ोन भी नहीं मिला, फिर जब घर आए तो फिर मैंने कहा स्टोरी अलग से ही स्टोरी टेलिंग वाला क्लिप ऐड करना पड़ेगा इसमें। सो यही सारी चीज़ें हुई, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी अंदर चलते पहले और फिर ये अभी सारे बराती पहुँचे 2:00 घर पे और अभी सब डांस कर रहे हैं क्योंकि बुआरी की बहू को फाइनली ले ही आया इतनी सारी चीज़ें होने के बाद।
तो आज घर में कथा है और मैं तो किचन में बिजी थी, बट मैंने सोचा कि मैं जाके देखूँ तो सही कि क्या चल रहा है। सो मैं एक क्लिप लेने आई थी और अब मैं वापस जाती हूँ किचन में जहाँ मेरी ड्यूटी लगी है। मैंने घर जा रही थी पर जाते हुए हम देखने आए कि मोहित क्या कर रहा है और हमने नोटिस किया कि वो सो चुका है फोन चलाते चलाते ही। हमेशा ऐसे चलता है, हमेशा